फिफ्टींथ क्वेश्चन भी देख लो एक बार, इसमें क्या गिवन है, वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल हो जाती है किसके, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के, तब हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्लियर? तो आपको यहां पे यही करना है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और फिर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट उनके इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया तब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अदरवाइज डिपेंडेंट। ठीक है, नाउ 16th क्वेश्चन बेटा, 16th क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% ऑफ रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो यहां पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर कितनी आ गई, 60%। 60% मीन्स 0.6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पेपर दैट इज 40%, सो दैट इज क्या हो जाएगा 0.4। अब हमें जो दिया है कि 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, इंटरसेक्शन। ठीक है, एच एंड ई बोथ बोला ना, क्लियर? तो इंटरसेक्शन हो गया कि जो दोनों पढ़ते हैं, दैट इज 20% यानी कि 0.2। क्लियर? अब हमें क्या बोला है, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी कि हमें क्या निकालना है, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद करो डी मॉर्गन्स लॉ जो आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं पी एच यूनियन ई नॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस पी एच यूनियन ई। क्लियर? अब इसको भी फर्दर हम क्या कर सकते हैं, एच यूनियन ई को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, पी एच की वैल्यू 0.6 ब्रैकेट के अंदर ही बेटा प्लस 0.4 माइनस 0.2, तो इनको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। देखो 0.6 प्लस 0.4 1 माइनस 0.2 0.8, सो 1 माइनस 0.8 किया तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश यानी जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। सेकंड, बी पार्ट में देखो, ये ए पार्ट हो गया हमारा, अब बी पार्ट में हमें क्या बोला है कि इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो अब आपकी तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती है, यानी आपको क्या निकालना है, पी ई ऑन एच की आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ठीक है, और गिवन क्या है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को बेटा, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब ये हमें गिवन है कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पता है आपको, ई ऑन एच, ऊपर क्या यूज होगा, इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। तो ई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 0.2 अपॉन 0.6 हिंदी न्यूज़पेपर की 0.6, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा आपका। क्लियर? उसके बाद सी पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है आपको, इसका अपोजिट, अब कि इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आपको हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज एच ऑन ई निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, सो पी एच इंटरसेक्शन ई 0.2 अपॉन पी आपका 0.4, सो डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपका। क्लियर?